बढ़ते आगे, श्रीनगर के लाल चौक पर ग्रेनेड अटैक हुआ है। सीआरपीएफ बकर के पास आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। आतंकी हमले में 12 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीआरपीएफ बंकर के पास आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका था और 12 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक पर ये ग्रेनेड अटैक हुआ है। तो आतंकी हमले में 12 लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन भी लगातार जारी है। श्रीनगर के संडे मार्केट में हम मौजूद हैं और यहाँ पे अभी एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस विस्फोट में कई आम नागरिक जो हैं वो हताहत हुए हैं। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान इस जगह पे पहुंचे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग जो हैं संडे मार्केटिंग में शॉपिंग करने आते हैं, तो उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर यहाँ पे लोग पहुंचते हैं। दो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, अशरफ कैमरामैन आपको इस साइड से दिखाई कि जो सुरक्षा बल के जवान हैं और ये जो एंट्री है यहाँ पे फिलहाल ये बंद कर दी गई है। और हमें भी यहाँ कहा जा रहा है कि आप यहाँ से दूर हो के जो कवर है वो कीजिए, और काफी भगदड़ यहाँ पे मची हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और हमारे संवाददाता भी जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, अभी भगदड़ का माहौल वहां पर देखने मिल रहा है क्योंकि 12 लोग घायल हुए हैं। ये कोई आम बात नहीं है। लाल चौक की तस्वीरें हैं आतंकी हमले में, जहां पर 12 लोग घायल हुए। आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका था और उसी हमले से 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी सुरक्षा बल वहां पर पहुंच चुके हैं और मौके पर सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर, बंकर के पास सीआरपीएफ के आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका था और इसी आतंकी हमले में 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहां पर अभी भगदड़ की स्थिति है, लोगों में भी अब भय का माहौल देखने मिल रहा है उस क्षेत्र में। लाल चौक से तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। वहां पर अभी फिलहाल सुरक्षा बलों की ओर से कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हालांकि सर्च ऑपरेशन अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षा बल लगातार चलाते ही आ रहे हैं, लेकिन ये श्रीनगर के लाल चौक पर ग्रेनेड अटैक हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर अब भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और वाहनों की लंबी कतारें भी हालांकि आसपास लगी हुई है, जिन्हें वहां से हटाया जा रहा है। लोगों में भी डर का माहौल है। 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी क्या इस हादसे के बाद, क्या इस अटैक के बाद जनहानि हुई है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन सीआरपीएफ के बंकर के पास ये ग्रेनेड अटैक हुआ था और दर्जन भर लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। श्रीनगर से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लाल चौक पर ग्रेनेड अटैक हुआ है।